गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने गैसों से संबंधित, एक्चुअली आदर्श गैसों से संबंधित बॉयल्स लो एंड चार्ल्स लो के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड लो फॉर आइडियल गैसेस, दैट इज़ प्रेशर टेम्परेचर लो या एमोटोन लो। यह लो क्या कहता है? यह कहता है कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर किसी भी गैस की निश्चित मात्रा का प्रेशर उसके परम ताप यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर के समानुपाती होता है। मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसे कह सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू T। जब इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है P एंड T के बीच में, तो चूंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, अतः स्ट्रेट लाइन के रूप में हमें ग्राफ प्राप्त हो जाता है। इसे हम P अपॉन T इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के रूप में भी कह सकते हैं, और न्यूमेरिकल्स के लिए हम इसे P अपॉन T1 इक्वल्स टू P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2 भी लिख सकते हैं। फोर्थ है, इन सभी नियमों का कॉम्बिनेशन जिसे हम संयुक्त गैस समीकरण या सामान्य गैस समीकरण के नाम से भी जानते हैं। सामान्य गैस समीकरण या संयुक्त गैस समीकरण, देखिए बॉयल्स लो हमें क्या कहता है? बॉयल्स लो कहता है V प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन P, दैट मीन्स PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। चार्ल्स लो हमें क्या कहता है? V प्रोपोर्शनल टू T, या फिर हम कह सकते हैं V अपॉन T इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और थर्ड लो हमें कहता है P प्रोपोर्शनल टू T, लेकिन हमने यहाँ पर एवोगैड्रो लो लिया है, वो ये कहता है V प्रोपोर्शनल टू N या V अपॉन N इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। कंबाइन द थ्री लोज, इन तीनों लोज को हम कंबाइन कर लें। इन तीनों को कंबाइन करने पर V प्रोपोर्शनल टू N T अपॉन P हमारे पास आ जाता है। इसको हम PV इक्वल्स टू N T कह सकते हैं या PV अपॉन N T इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट कह सकते हैं। इस कॉन्स्टेंट को हम R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि आदर्श गैस कॉन्स्टेंट होता है। PV इक्वल्स टू N R T, इसी को आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है। R मोलर गैस कॉन्स्टेंट कहलाता है। एवोगैड्रो लो पे आ जाते हैं अपन। एवोगैड्रो लो कहता है कि ताप और दाब की समान परिस्थितियों में समस्त गैसों के समान आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या सदैव समान होती है। किसी गैस के एक मोल में प्रेजेंट अणुओं की संख्या ही एवोगैड्रोस नंबर कहलाती है। यह इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि वो गैस हमने कौन सी ली है। अगर हम हाइड्रोजन गैस का एक मोल लेंगे तो भी उसमें अणुओं की संख्या एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगी, और अगर हमने ऑक्सीजन गैस ली है या फ्लोरीन गैस ली है, एनी अदर गैस, कोई भी गैस लेने पर उसके एक मोल में अणुओं की संख्या एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगी। और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.023 × 10⁻², यानी उतने अणु उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एक मोल गैस में। मोल का तात्पर्य क्या होता है? किसी भी गैस के एक मोल का तात्पर्य होता है उस गैस का एक ग्राम अणु भार,
जब अणु भारों को हम ग्राम में व्यक्त कर देते हैं तो उसे ग्राम अणुभार कह दिया जाता है। और मोल को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, एन इक्वल्स टू डब्लू अपॉन एम, डब्लू पदार्थ की ग्राम में मात्रा अपॉन एम पदार्थ का ग्राम में अणुभार। 0 डिग्री सेल्सियस तथा 1 टेम्परेचर प्रेशर पर समस्त गैसों के लिए 1 ग्राम अणुभार यानी कि 1 मोल का आयतन सदैव फिक्स होता है, वो 22.4 लीटर होता है। वास्तव में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को NTP यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कहा जाता है। आजकल NTP को STP भी कहा जाता है और STP की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप और ताप। 0 डिग्री सेल्सियस ताप व 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को ही STP भी माना गया है और STP पर एक पूर्ण आदर्श गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। आजकल STP का और नया फॉर्म आ गया है जिसे SATP यानी कि स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कहा जाता है। इसी को मानक स्थिति मान लिया गया है। 25 डिग्री सेल्सियस या 298.15 केल्विन टेम्परेचर व 1 बार प्रेशर को SATP माना गया है। 1 बार प्रेशर का मतलब होता है 75 सेंटीमीटर पारे के तल के बराबर, जबकि पहले हम NTP और STP में 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेते थे, उसका अर्थ होता है 76 सेंटीमीटर पारे के तल के बराबर। अतः एवोगैड्रोस लॉ को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कि STP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 24.789 लीटर होता है। मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम लिखें एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। एग्जाम्स में हमें R की विमाएं भी ज्ञात करने के लिए आ जाती हैं, जिसे हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है R की विमाएं। तो फॉर्मूला है हमारा आदर्श गैस का PV इक्वल्स टू NRT, मीन्स R अगर हम लिखें तो PV अपॉन NT हो गया। P हमारा है दाब, V हमारा है आयतन, N मोल और T टेम्परेचर, सभी के मात्रक लिख देंगे। दाब का मात्रक होता है बल बटे क्षेत्रफल आ गया, गुणा आयतन बटे मोल गुणा ताप आ गया, क्योंकि दाब यहाँ पे मैंने बता दिया है। और R इक्वल्स टू बल गुणा लंबाई, अब आयतन को लिख दिया गया है यहाँ पे, तो बल गुणा लंबाई अपॉन मोल इंटू ताप, तो कार्य बल गुणा लंबाई हो जाता है कार्य, तो कार्य अपॉन मोल इंटू ताप, या फिर R इक्वल्स टू कार्य या ऊर्जा प्रति मोल प्रति केल्विन। कार्य एवं ऊर्जा की विमाएं सदैव समान ही होती हैं। R की वैल्यूज़ याद रखनी रहती हैं हमें, R इक्वल्स टू 0.082 1 या 2 दोनों में से कुछ भी आ सकता है। हमने किस तरीके से लिया है वो देखना पड़ेगा, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन होने पर ये ऊपर वाली वैल्यूज हमारे पास आ गई, और 0.0822 आ गया अगर हमने लीटर बार पर मोल पर केल्विन के फॉर्म में इनको लिया है। R की अन्य मात्रकों में वैल्यूज़ दी गई हैं, R इक्वल्स टू 8.314 इंटू 10^7 डाइन सेंटीमीटर पर मोल पर केल्विन, या फिर R को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू 8.314 इंटू 10^7 अर्ग पर मोल पर केल्विन, या फिर R को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 8.14 जूल पर मोल पर केल्विन, और साथ ही R की वैल्यू 1.99 कैलोरी पर मोल पर केल्विन भी
हो सकती है। इतनी वैल्यूज़ में से हमें कुछ वैल्यूज़ याद रखनी हैं, वो ये हैं। फर्स्टली हमें ये वैल्यू याद रखनी है, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। एक तो ये वैल्यू अपन को लर्न रखनी है। वैसे तो अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसमें आर की वैल्यूज़ दी हुई होती है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे हम लर्न करके रखते हैं। और 8.314 ये वैल्यूज़ याद रखनी है। इन दोनों में ये डिफरेंस सिर्फ अर्ग एंड टाइम सेंटीमीटर का ही है, तो ये दो वैल्यूज़ अपने को ध्यान रखनी होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। थैंक यू।